हेलो फ्रेंड्स क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग क्यू डॉट कॉम आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल अरेज एंड अरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है अरेज एंड अरे मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट अरेज इन जावा स्क्रिप्ट अरे मैथड्स एंड ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट फिर इस <coughs> किसी भी अरे की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे अरे में कोई वैल्यू अगर ऐड करना हो तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे अरे की कोई वैल्यू अगर हमें चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे अगर हमें अरे का टाइप डेटा टाइप पता करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे <coughs> फिर एक अरे को स्ट्रिंग में कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे जॉइन मेथड देखेंगे पॉप मेथड पुश मेथड शिफ्ट मेथड अनशिफ्ट मेथड डिलीट ऑपरेटर कॉन्क्रीट मेथड सॉर्ट मेथड रिवर्स फंक्शन या मेथड स्प्लाइस एंड स्लाइस मेथड या फंक्शन स्प्लाइस मेथड एंड स्लाइस मेथड या फंक्शन ये सब हम देखेंगे फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स हम देखेंगे मेथड्स एंड फंक्शन सेम होता है ओके okay? और फिर देखेंगे हम समरी ऑफ द सेशन तो स्टार्ट करते हैं अरेज एंड अरे मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट अरेज इन जावा स्क्रिप्ट सो अगर हमें एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें अरे की ज़रूरत पड़ती है तो so, एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्टूडेंट जो होता है वो एक सिंगल वेरिएबल है बट बहुत सारी वैल्यूज़ को होल्ड करता है जैसे कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है स्टूडेंट की एज क्या है स्टूडेंट का जेंडर क्या है स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए और ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट के अंदर होल्ड करते हैं या स्टूडेंट वो सारी वैल्यूज़ होल्ड करता है अब अगर हमें सारी की सारी वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल स्टूडेंट के अंदर होल्ड करना है तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं अरेज़ को यूज़ कर सकते हैं अब अरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे अरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़ अंडर अ सिंगल नेम एक सिंगल वेरिएबल नेम में बहुत सारी वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है अरे अरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा ज़ीरो रहेगा अरेज आर म्यूटेबल मतलब अरेज़ की वैल्यूज़ को हम अपडेट कर सकते हैं अरे की लेंथ को हम अपडेट कर सकते हैं अरे अरे को हम डिलीट कर सकते हैं सो so, इस तरीके से अरेज जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं और अरेज जो हैं वो म्यूटेबल होते हैं सो so, हम ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए एक अरे है हमारे पास और उसमें ये सारी वैल्यूज़ हैं अब अगर हमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग एंड अरे तो अरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं फिर इक्वल शू so लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी एक अरे होल्ड करता है वो सारी की सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं इस तरीके से एक अरे जो है वो डिक्लेयर हो जाता है फिर हम कंसोल डॉट लॉग करके उस पर्टिकुलर अरे को अगर प्रिंट करते हैं तो सारे की सारी वैल्यूज़ जो है वो हैं वो प्रिंट हो जाती हैं मान लो हमें कोई एक ही एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करना है जैसे हमें केवल ट्वेल्थ ट्वेल्थ को प्रिंट करना है तो so ट्वेल्थ जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और जो अरे का इंडेक्स है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो जो ट्वेल्थ का इंडेक्स होगा वो भी जीरो होगा तो हम क्या लिखेंगे ए आर आर ऑफ़ जीरो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जीरो लिखेंगे फिर हमें अगर ट्वेंटी फोर प्रिंट करना है तो ये सेकेंड एलिमेंट है तो इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा वन तो हम क्या लिखेंगे ए आर आर ऑफ वन फिर अगर 56 प्रिंट करना है तो ये थर्ड एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स जो होगा वो होगा टू ए आर आर ऑफ टू ओके इस तरीके से हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं सो लेट सी दैट रेपलेट में जाएंगे और रेपलेट में हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे हमारे अरे हम लिखेंगे लेट arr आर इज एक टू स्क्वायर ब्रैकेट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स तो ये सारी वैल्यूज़ हैं <coughs> अब मान लो अगर हमें अरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख देंगे ए आर आर एंड और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हो गई हैं अब मान लो हमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करना है जैसे ट्वेल्व को प्रिंट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा ए आर आर ऑफ जीरो क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है और array का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो यहाँ हम लिखेंगे ए आर आर ऑफ जीरो अभी हम यहां पर दूसरे एलिमेंट से प्रिंट कराएंगे जैसे जीरो की जगह पे वन तो सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा फिर टू तो थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा थ्री तो फोर्थ एलिमेंट प्रिंट होगा एंड देन फोर्थ सो लेट्स रन इट सो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए ए आर ऑफ़ जीरो इज ट्वेल्व ए आर ऑफ़ वन टू ए आर ऑफ़ टू ट्वेंटी फाइव ए आर ऑफ़ थ्री इज थर्टी सिक्स और ए आर फोर जो है वो अनडिफाइंड है क्योंकि इस एरे में टोटल चार एलिमेंट्स हैं फाइव एलिमेंट्स नहीं हैं फाइव एलिमेंट्स होते तो ए आर ओफ फोर होता बट फिफ्थ एलिमेंट नहीं है तो जब भी कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है तो अरे जो है वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है अरे हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है उन वैल्यूज़ के लिए जो कि अरे में प्रेजेंट नहीं होती है अब अगर हम चाहें तो हम दूसरी टाइप्स के वैल्यूज़ को भी अरे में स्टोर कर सकते हैं जैसे अगर अभी तक हमने केवल नंबर स्टोर किए थे अभी अगर हम चाहें तो कोई बुलीन वैल्यू जैसे कि ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं जिसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं तो करके देखते हैं तो ये है हमारा दूसरी टाइप की वैल्यूज भी हमने यहां पर स्टोर किया अभी अगर हम चाहें तो ये वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे फाइव और यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्स और इसको रन करेंगे सो so वही पूरा का पूरा अरे प्रिंट हुआ है जो हमने यहाँ पर लिखा था फिर ए आर ऑफ़ जीरो प्रिंट हुआ है ट्वेल्व फिर ए आर ऑफ़ वन ट्वेंटी फोर ए आर ऑफ़ टू ट्वेंटी फाइव ए आर ऑफ थ्री ट्वेंटी थर्टी सिक्स फिर ए आर ऑफ फोर होता है ट्रू जो कि यहाँ पर है फिफ्थ एलिमेंट है फोर्थ इंडेक्स है फिर यह सिक्स एलिमेंट है फिफ्थ इंडेक्स है क्यू ए पी डी आया प्रिंट हुआ और सिक्स इंडेक्स मतलब सेवंथ एलिमेंट नहीं हो तो अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है इस तरीके से अरे को हम डिक्लेयर करते हैं अब हम देखते हैं अरे के जो मेथड्स होते हैं और जो भी ऑपरेटर्स होते हैं अरे अरे इसके तो so, सबसे पहले अगर हमें अरे की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि है लेंथ तो लेंथ एक ऑपरेटर होता है तो ये ऑपरेटर क्या करता है लेंथ अरे की लेंथ को फाइंड आउट करता है so, सो ये सब हटाते हैं हम और यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ए आर आर और ए आर आर के पहले लिखते हैं डॉट लेंथ सो आ गया लेंथ तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए और फिर ये अरे की लेंथ प्रिंट हुई अरे की लेंथ क्या प्रिंट हुई सिक्स सिक्स क्यों प्रिंट हुई क्योंकि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सिक्स एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एलिमेंट्स हैं तो अरे की लेंथ क्या हुए? प्रिंट होगी सिक्स प्रिंट होगी फिर अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करना है अरे के अंदर तो हमें पता होना चाहिए अरे का लास्ट इंडेक्स क्या है अरे के अंदर जो लास्ट वैल्यू है वो कौन सा इंडेक्स पे है तो अरे की लेंथ क्या है सिक्स है तो अरे की लेंथ अगर सिक्स है तो इसका मतलब जो इसका इंडेक्स होगा लास्ट वो होगा फाइव तो इसका मतलब हम यहाँ पर सिक्स इंडेक्स पे कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो करते हैं ऐसा ए आर आर ऑफ सिक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड अब इसको हम रन करते हैं आ या इनको प्रिंट भी करना पड़ेगा हाँ तो पहले हमारे हरे की वैल्यू थी ये ये सारे एलिमेंट्स थे जो अरे की लेंथ थी वो सिक्स फिर हमने एक वैल्यू ऐड किया तो वो वैल्यू कहाँ पर ऐड किया लास्ट में ऐड किया तो अभी क्या हो गया हमारा अरे की जो वैल्यूज़ हैं वो एक और ऐड हो गई है चेंज हो गई है और अब अरे की लेंथ जो है वो भी चेंज हो गई है सिक्स से अब ये सेवन हो गई है तो जो डिलीट ऑपरेटर है वो अरे की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर देता है अरे की वैल्यू चेंज कर देता है और उसकी लेंथ को भी चेंज कर देता है फिर मान लो हमें कोई एक एलिमेंट है जो जिसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है अरे में ओके okay? तो इसको हम हटाते हैं तो हमें पता है कि अरे में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं ओके ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अब मान लो थर्ट ये जो ट्रू है ये ट्रू हमें फॉल्स करना है तो ये जो ट्रू है ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है ये आ रहा है फोर्थ इंडेक्स पे तो हम क्या करेंगे ए आर फोर को हम क्या कर देंगे लिख देंगे फॉल्स डन इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे अब इसको हम रन करते हैं इसको रन किया तो 12, 24, 25, 36 ट्रू क्यू ए अरे की जो लेंथ है वो सिक्स अब प्रिंट हो रहा है 12, 24, 25, 36 एंड देन ट्रू की जगह पे फॉल्स प्रिंट हो रहा है और फिर क्यू ए प्रिंट हो रहा है और फिर अरे की जो लेंथ है वो सिक्स प्रिंट हो रही है ओके okay? इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं देन है फाइंड द टाइप ऑफ अरे सो अभी अगर हमें अरे का टाइप फाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें देखना होता है एक ऑपरेटर यूज करना होता है वो होता है टाइप ऑफ ये टाइप ऑफ जो है ये किसी भी वेरिएबल की टाइप बता देता है स्ट्रिंग की नंबर की जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबकी टाइप बता देता है अरेज जो है वह ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं यह हमें पता है ये सबको मतलब यह हमें याद रखना है कि अरेज जो है वह ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं तो जब हम टाइप ऑफ अरे लिखेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए सो लेट्स सी दिस फिर लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग फिर लिखेंगे टाइप ऑफ टाइप ऑफ ए आर आर डन और इसको हम कर देते हैं कैंसिल फिर हम यहाँ लिखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है कंसोल पे वो है ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स थ्रू क्यूपीडिया फिर जो अरे की लेंथ प्रिंट हो रही है वो हो रही है सिक्स और टाइप ऑफ अरे जो है वो हो रहा है ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है तो so इस तरीके से जो अरे है वो काम करता है इस तरीके से हम अरे का टाइप देख सकते हैं तो so अरे जो है ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट टाइप लिखा आ रहा है <coughs> टू स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग मेथड या टू स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है ये एक मेथड या फंक्शन होता है और अरे को स्ट्रिंग में चेंज करता है एक्चुअली ये अरे को स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता है ये फंक्शन एक नया अरे क्रिएट कर नया स्ट्रिंग क्रिएट करता है अरे के एलिमेंट्स के थ्रू तो ये जो तो फंक्शन है ये ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करता है ये केवल एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करता है ओके okay? तो so, उसको हम देख लेते हैं एक बार hmm. इसको हम कैसे चेंज करते हैं इस तरीके से चेंज करते हैं तो <coughs> ये हम ये हम अभी देख लेते हैं अरे डॉट लेंथ और टाइप ऑफ हटा देते हैं अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे लेट एस टी आर इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट टू स्ट्रिंग इट अब एक काम करेंगे हम अरे को तो प्रिंट करेंगे ही साथ में आ, बी को तो भी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हम ए आर आर की जगह पर लिख देते हैं एस टी आर और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एस टी आर और यहाँ पर हम लिख देते हैं एस टी आर दैट्स इट अभी इसको क्लोज करते हैं क्लियर कैश एंड देन, हाँ। सॉरी हमने यहाँ पर इसको मिस कर दिया है हाँ सॉ ये ओरिजिनल अरे प्रिंट हुआ उसकी लेंथ प्रिंट हो रही है और ये कौन सा टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप है फिर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग हमने यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट किया था जो हमने स्ट्रिंग था अरे के एलिमेंट्स की हेल्प से एक नया स्ट्रिंग बनाया था वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो ऐसा प्रिंट हो रहा है लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो है ट्वेंटी सिक्स क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स एलिमेंट्स हैं अगर हम काउंट करें तो वन टू सो अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको ट्वेंटी सिक्स मिलेगा आपको ये कॉमास को भी काउंट करना पड़ेगा ओके okay? फिर जो हमारे आ, टाइप ऑफ एस टी आर ए वो क्या है स्ट्रिंग है जो कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये एक स्ट्रिंग को जनरेट करती है फिर हमने ए आर आर को फिर से प्रिंट किया तो ये हमारा ओरिजिनल ए आर 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 ए सेम ही है उसकी लेंथ भी सेम है और वो ऑब्जेक्ट टाइप है तो जो हमारी टू स्ट्रिंग मेथड है वो हमारे ओरिजिनल <coughs> आर ए को मॉडिफाई नहीं करती है फिर आती है जॉइन मेथड अब जो जॉइन मेथड होती है वो क्या करती है एक अरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब को join करता है और उसके बाद एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है तो so ये जो फंक्शन है ये ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करता है ये कैसे काम करता है हमारे पास सपोज़ कोई एरर है कोई अरे है तो उसके ऊपर ये जॉइन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं तो करके देखते हैं अभी हम अरे डॉट जॉइन अब हम सारे एलिमेंट्स को जॉइन कैसे करेंगे हम यहाँ पर बीच में एक अंडरस्कोर लगा देते हैं सो विद द हेल्प ऑफ दिस अंडरस्कोर हम जो है सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे अब इसको हम रन करते हैं सबसे पहले अरे प्रिंट होगा फिर अरे की लेंथ प्रिंट होगी फिर टाइप ऑफ अरे उसके बाद जो हमने ऑपरेशन किया है वो क्या किया है जॉइन मेथड यूज़ करके एक नया स्ट्रिंग क्रिएट किया है अरे के एलिमेंट से तो जो भी स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया है उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ को हम प्रिंट करेंगे उसका टाइप क्या है वो देखेंगे फिर उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल अरे है उसको उसकी लेंथ को और टाइप ऑफ अरे प्रिंट करेंगे तो so ये हमारा ओरिजिनल अरे प्रिंट किया उसकी लेंथ है या ऑब्जेक्ट टाइप है फिर हमारा जो स्ट्रिंग है जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज़ किया था तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अंडरस्कोर के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे से ओके फिर तो फिर हमने उसको प्रिंट किया तो जब प्रिंट किया तो सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे अंडरस्कोर के थ्रू प्रिंट हो गया। फिर, length, so length गए फिर लेंथ सो लेंथ आ गई 26 फिर टाइप ऑफ स्ट्रीआर तो ये स्ट्रिंग है और फिर हमने ओरिजिनल अरे को प्रिंट किया तो उसकी ओरिजिनल अरे प्रिंट हुआ उसकी लेंथ प्रिंट हुई और वो ऑब्जेक्ट टाइप प्रिंट हुआ फिर एक मेथड है पॉप मेथड पॉप मेथड क्या करती है लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे जो है उसको रिमूव करती है और जो हमारा अरे है ओरिजिनल अरे उसको कर देती है मॉडिफाई और जो भी डिलीटेड एलिमेंट होता है उसको रिटर्न कर देती है ठीक है तो देखते हैं उसको अभी हम अरे डॉट पॉप इट अब ये एक स्ट्रिंग नहीं देता है एलिमेंट देता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिलीटेड ई एल ई और जहाँ पर भी है वहाँ पर उसको टाइप कर देते हैं ठीक है अब ये मेथड जो है वो क्या करती है लास्ट एलिमेंट को रिमूव करती है जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है सो so, जो भी हमारा एलिमेंट आएगा वो एक स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट होगा ओके सो हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं तो hmm, so, सबसे पहले हमने ओरिजिनल एरे प्रिंट किया वो यहाँ पर आया उसकी लेंथ प्रिंट की फिर टाइप ऑफ अरे आया ऑब्जेक्ट देन हमने पॉप मेथड यूज़ किया पॉप मेथड से हमको एक एलिमेंट मिला जो कि डिलीट हुआ था उस डिलीट एलिमेंट को हमने प्रिंट किया तो वो है क्यू ए पीडिया लास्ट एलिमेंट क्यूआई पीडिया था तो वो प्रिंट हो गया उसकी लेंथ कितनी है उसकी लेंथ है नाइन किस टाइप का एलिमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट हमने उसको डबल कोर्ट्स में लिखा है सिंगल कोर्ट्स में डबल कोर्ट्स में तो ये स्ट्रिंग ही है फिर हमने अरे को प्रिंट किया ओरिजिनल अरे तो ओरिजिनल अरे जो 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 था पहले क्यूआई तक था अभी केवल ट्रू तक है वैल्यू इसकी उसकी लेंथ भी चेंज हो गई है अभी वो फाइव हो गई है लेंथ और अभी ऑब्जेक्ट टाइप तो है ही वो तो इस तरीके से हमारी पॉप मेथड काम करती है ओके okay? फिर होती है हमारी पुश मेथड। पुश मेथड क्या करेगी पुश मेथड विल ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द अरे एंड देन रिटर्न द लेंथ ऑफ द अरे अरे की लेंथ को रिटर्न करती है और ये मेथड जो है ये भी क्या करती है ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करती है सो so, यह हो गया अरे डॉट ए आर आर डॉट पुश सो अभी क्या होगा यहाँ पर हम लिखेंगे एडेड एलिमेंट ओके और वो एडेड एलिमेंट हम क्या करेंगे यहां पर लिखवाएंगे सॉरी ये लेंथ रिटर्न करता है तो यहां पर हम लिखेंगे length. -E और यहां पर ई एन काम करेगा क्या सो लेट्स रन इट ओके अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो ओरिजिनल अरे उसको हमने प्रिंट किया तो वह यहाँ प्रिंट हो गया अरे डॉट लेंथ है सिक्स टाइप ऑफ अरे ऑब्जेक्ट फिर हमने पुश मैथड यूज़ की सॉरी पुश मेथड यूज़ करने पर हमें कोई नंबर देना पड़ेगा सेवेंटी एट सॉरी या सो रे प्रिंट किया उसकी लेंथ प्रिंट किया और अब जो हम हमने एक एलिमेंट ऐड किया है तो यहाँ पर उसकी लेंथ रिटर्न इस पर्टिकुलर लेंथ को हमने यहाँ पर प्रिंट किया सो अभी अरे की जो लेंथ है वो हो गई है सेवन एलियन डॉट लेंथ सो नंबर के ऊपर ये लेंथ ऑपरेटर काम नहीं करता तो इसलिए ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है <coughs> अब लेंथ जो है वो नंबर होता है नंब आ लेंथ ऑफ द अरे है तो वो किस टाइप का होगा नंबर टाइप का होगा तो यहाँ पर नंबर टाइप प्रिंट हुआ है फिर हम अपनी ओरिजिनल अरे को प्रिंट करते हैं तो ओरिजिनल अरे में क्या है एक एलिमेंट ऐड हो गया है सेवेंटी एट अरे डॉट लेंथ कितनी है वो हो गई अभी सेवन पहले सिक्स थी और टाइप ऑफ अरे क्या है वो तो हमेशा ऑब्जेक्ट टाइप ही रहता है ओके इस तरीके से ये पुश ऑपरेटर काम पुश पुश फंक्शन काम करता है देन शिफ्ट मैथड या शिफ्ट फंक्शन शिफ्ट फंक्शन क्या करता है दिस मैथड विल रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे तो अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देती है और जो भी एलिमेंट रिमूव किया होता है अरे में से उसको रिटर्न करती है यह मैथड और यह मैथड जो है वो ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करती है, कर देती है सो हम एक काम करते हैं शिफ्ट मेथड को यूज करते हैं ए आर आर डॉट शिफ्ट तो ये शिफ्ट मेथड यूज किए शिफ्ट मेथड क्या करती है जो भी एलिमेंट डिलीट किया है वो रिटर्न करती है तो डिलीटेड एलिमेंट ई एल ई और उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ओके, सो शिफ्ट मेथड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर देती है सो ट्वेल्व को डिलीट कर देगी ओके okay. सो so अभी हम यहाँ पे इसको एक काम करते हैं रन करते हैं या yeah, ये हमारा ओरिजिनल अरे है ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ये सब है उसकी लेंथ सिक्स है ऑब्जेक्ट टाइप है वो हाँ अब हमने शिफ्ट मेथड यूज़ किया तो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगी फर्स्ट एलिमेंट क्या है ट्वेल्व तो हमने जब प्रिंट किया तो यह डिलीटेड एलिमेंट जो है वो ट्वेल्व है उसके ऊपर हमने लेंथ मेथड को ऑपरेटर को रन किया वो काम नहीं करता है वो अनडिफाइंड है फिर टाइप ऑफ डिलीटेड एलिमेंट तो वो किस टाइप का है नंबर टाइप का है ट्वेल्व एक नंबर टाइप है अब अगर हमें अरे को फिर से प्रिंट करना है तो अरे में भी ट्वेल्व प्रिंट नहीं हो रहा है ये ट्वेंटी फोर से प्रिंट हो रहा है और पहले उसकी लेंथ सिक्स थी और अभी फाइव हो गई है और अरे का टाइप था ऑब्जेक्ट टाइप ही रहेगा तो so ये जो मेथड है शिफ्ट वो भी क्या करती है अरे को मॉडिफाई करती है फिर एक मेथड होती है अनशिफ्ट ये क्या करती है ये एक एलिमेंट को ऐड कर देती है एट द स्टार्ट ऑफ द अरे एंड और ये मेथड क्या करती है लेंथ ऑफ द अरे को रिटर्न करती है और ये मेथड भी ओरिजिनल अरे को चेंज करती है मॉडिफाई करती है तो ये देख लेते हैं एक बार यहाँ पर अरे डॉट शिफ्ट की जगह पर लिख देंगे अनशिफ्ट और अनशिफ्ट में हम ऐड कर देंगे 98 अब ये क्या करता है लेंथ को रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे एल ई इट ट अभी इसको हम करते हैं रन सो so, ये हमारा अरे है उसको हमने प्रिंट किया तो यहाँ पर ये वैल्यूज प्रिंट हुई ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और फिर अरे डॉट लेंथ को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो हो गया सिक्स क्योंकि सिक्स एलिमेंट्स हैं उसमें टाइप ऑफ अरे इज़ ऑब्जेक्ट अब हम क्या करते हैं हम अनशिफ्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और एक एलिमेंट क्या होगा एट द स्टार्ट ऑफ द अरे यहाँ पर ऐड हो जाएगा सो so, ट्वेल्व के पहले नाइन्टी एट ऐड होगा और ये मेथड रिटर्न क्या करती है लेंथ ऑफ द अरे रिटर्न करती है अब हमने एक एलिमेंट ऐड किया है तो उसकी लेंथ सिक्स के सिक्स से बढ़कर सेवन हो जाएगी तो इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें लेंथ मिल रही है सेवन ये एक नंबर टाइप होता है उसके ऊपर लेंथ फंक्शन का ऑपरेटर काम नहीं करता है तो अनडिफाइंड टाइप ऑफ एली इज नंबर फिर हमने ओरिजिनल अरे को प्रिंट किया तो पहले ट्वेल्थ से स्टार्ट हो रहा था अभी नाइनटी एट से स्टार्ट हो रहा है पहले सिक्स थी उसकी लेंथ अभी सेवन है उसकी लेंथ और ऑब्जेक्ट टाइप तो अभी भी है वो तो इस तरीके से अनशिफ्ट फंक्शन काम करता है अब देखते हैं हम डिलीट ऑपरेटर को सो डिलीट इज नॉट अ मेथड बट डिलीट इज ऑपरेटर सो बिकॉज डिलीट एक मेथड नहीं है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ठीक है डिलीट मेथड नहीं है बट एक ऑपरेटर है सो so, क्योंकि ये मेथड नहीं है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है डिलीट करता क्या है एक स्पेसिफाइड एलिमेंट को अरे में से रिमूव करता है ओके okay? अब क्योंकि अगर हम एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारी अरे है वो मॉडिफाई होती है बट डिलीट ऑपरेटर जो है वो एक अरे की लेंथ को चेंज नहीं करता अरे की लेंथ उतनी रहती है जो जहाँ पर भी हमने एलिमेंट रिमूव किया होता है वहाँ पर एक एम्पटी स्पेस क्रिएट हो जाता है अगर हम डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं ओके okay? तो so अब हम स्पेसिफाइड जो एलिमेंट है उसको कैसे रिमूव करते हैं वो हमें इंडेक्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है इंडेक्स स्पेसिफाई करने से वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है तो देखते हैं इसको अभी हम डिलीट ए आर आर ऑफ जीरो ठीक है अभी इसको हम क्या करते हैं रन करते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल अरे है और ये हमारी लेंथ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है फिर से हम ओरिजिनल फिर हमने एक डिलीट ऑपरेटर यूज़ किया तो अब क्या होगा हम फिर से ओरिजिनल अरे को प्रिंट करते हैं तो हमारा ओरिजिनल अरे हमने प्रिंट किया तो पहले ट्वेल्थ यहाँ प्रिंट हो रहा था पर अभी यहाँ पर एक एम स्पेस क्रिएट हो गया है ट्वेल्व प्रिंट नहीं हो रहा है लेंथ चेंज नहीं हुई है सिक्स की सिक्स है और यह ऑब्जेक्ट टाइप शो कर रहा है अब मान लो अगर हम यहाँ पर जीरो की जगह पर वन को रिमूव कर दें तो क्या होगा ट्वेल्व ट्वेंटी फोर वगैरह प्रिंट हो रहा था यहाँ पर अरे में ट्वेल्व प्रिंट हो रहा है और ट्वेंटी फोर की जगह पर एम स्पेस क्रिएट हो गया इसको अगर हम वन की जगह पर टू कर दें अगर और फिर अगर इसको हम रन करेंगे तो ट्वेल्व ट्वेंटी फोर प्रिंट हो रहा है पर ट्वेंटी फाइव जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर एक एम स्पेस क्रिएट हो गया है सो so, इस तरीके से जो हमारा डिलीट ऑपरेटर है वो काम करता है फिर है हमारी कॉन्केट मेथड। कॉन्केट मेथड क्या करती है दो अरेज होते हैं इन दोनों अरेज के एलिमेंट्स को कंबाइन करती है और कंबाइन करने के बाद एक नया अरे क्रिएट करती है तो ये जो मेथड है ये ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करती है ये एक नए अरे को क्रिएट करती है और वही अरे रिटर्न कर देती है तो देखते हैं कॉन्ट मेथड कैसे काम करती है सो so, मान लो हमारे पास एक और अरे है लेट ए आर आर वन इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्वेंटी टू और थर्टी फोर फॉल्स एंड देन हेलो वर्ल्ड तो ये हमारा सेकेंड एर है ए आर आर वन ए आर आर सो पहले हमारा ए आर आर है फिर हमारा ए आर आर वन है सो so अभी अगर हम चाहें तो हम दोनों आर को इसको प्रिंट कर सकते हैं ये हटा देते हैं हम सो so पहले ए आर आर प्रिंट हो रहा फिर ए आर आर वन प्रिंट होता है प्रोग्राम तो रन करेंगे तो यह हमारा ए आर आर वन ए आर आर की वैल्यू और ए आर आर वन सो ए आर आर जो है वो हमारा ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स उसकी लेंथ है सिक्स एंड देन ऑब्जेक्ट टाइप है ए आर आर वन वेवन ट्वेंटी टू हेलो वैंड देन लेंथ फाइव हो गई एंड देन ऑब्जेक्ट टाइप है अब हम क्या करेंगे अब हम दोनों को कॉन्क्रीट कर देंगे दोनों को कम्बाइन कर देंगे और उसके बाद नया आर ए प्रिंट करेंगे सो लेट न्यू आ इज़ इक्वल्स टू ए आर आर डॉट कॉन्केट ए आर आर वन इस तरीके से हम रख जाएंगे इसको so, क्या लेट न्यू अरे इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट कॉन्केट ए आर आर वन अब हम न्यू अरे को प्रिंट करेंगे ओके okay? अभी हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग न्यू आ डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे न्यू आ प्रिंट करेंगे इसको हम क्या करेंगे रन करते हैं तो so ये हमारा ओरिजिनल रहा है ए उसकी लेंथ है वो ऑब्जेक्ट टाइप है फिर ये ए आर वन है उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ है और ऑब्जेक्ट टाइप है देन हम प्रिंट कर रहे हैं न्यू अरे को तो न्यू अरे को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें हमें सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो ए आर आर के दिख रही हैं फिर ए आर आर वन की जो सारी वैल्यूज वो भी हमें दिख रही हैं और कम्बाइंड फॉर्म में दिख रही हैं फिर उसकी जो लेंथ है वो है इलेवन तो वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है तो अगर हम फर्स्ट अरे की लेंथ देखें सिक्स सेकेंड के फाइव सिक्स प्लस फाइव इलेवन होता है तो यहाँ पर एलेवन प्रिंट हो रहा है और ये अरे है तो ऑब्जेक्ट ही होगा फिर हम ए आर आर को फिर से प्रिंट करते हैं तो ओरिजिनल अरे सेम टू सेम वैसा ही है मॉडिफाई नहीं हुआ है उसकी लेंथ भी उतनी है और ए आर आर वन भी मॉडिफाई नहीं हुआ है उसकी लेंथ भी उतनी है ओके एलिमेंट्स भी वही हैं तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्केट मेथड है वो काम करती है फिर होता है हमारा सॉर्ट मेथड सॉर्ट मेथड क्या करती है सॉर्ट मेथड जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर जो होता है किसी भी अरे का उसको मॉडिफाई कर देती है तो अगर वो ओरिजिनल अरे के सॉर्टिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करती है तो इसका मतलब वो अरे को भी मॉडिफाई करती है ओके okay? सो so, मान लेते हैं हमारे पास एक अरे है ये ओके okay? और इसको हम क्या करेंगे सॉर्ट करेंगे ओके hmm. सो okay. so, तो अभी हमने क्या किया पहले हमने ये वाली अरेली और इसको हमने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कराया तो ये वैल्यूज़ प्रिंट हुई अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया शॉर्ट करने के बाद जब प्रिंट कराया तो ये वैल्यूज प्रिंट हुई सो so, शॉर्टिंग हुई है बट शॉर्टिंग बहुत ही वियर्ड है बहुत ही अजीब सी शॉर्टिंग हुई है अब सबसे पहले हमें थ्री चाहिए था शॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर शॉर्टिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्टिंग करता है अल्फ़ाबेटिकल मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर वन से स्टार्ट होता है सबसे पहले वो शॉर्ट होगा फिर तो जो भी नंबर टू से स्टार्ट होता है वो सबसे पहले वो शॉर्ट होगा और उसके बाद नंबर जो थ्री से स्टार्ट होता है इस तरीके से जो भी नंबर्स आएंगे वो उस ऑर्डर में शॉर्ट होते हैं बट मान लो मुझे नंबर शॉर्ट करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में तब मैं क्या करूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक फ़ंक्शन होता है कंपेयर वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा ओके okay? तो ये वो फंक्शन है हमारा जो हम यूज़ कर सकते हैं तो देखते हैं ये फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे फंक्शन कंपेयर और यहाँ पर यह इसकी डेफिनेशन लिखी आ गई ओके तो ये हमारा फंक्शन है इसमें हमें दो पैरामीटर्स फाइंड करना है और यहाँ पर हम लिख देना रिटर्न ए माइनस बी दैट्स इट ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा अब नंबर डॉट सॉर्ट जो हम कर रहे हैं तो ये सॉर्ट के अंदर की जो पैरानसिस है यहाँ पर हमें इस फंक्शन को पास कर देना है एंड दैट्स इट बस हमारा काम यहाँ पर हो गया इतना सा करेंगे तो जो हमारा नंबर है वो शॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा सो so सी पहले हमारा ये था नंबर अरे और अभी हमारा जो अरे है वो इस तरीके से शॉर्ट होके प्रिंट हो रहा है ओके okay? अब अभी हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया है अब अगर मान लो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहें तो कैसे काम चलेगा तो यहाँ हम करते हैं रिटर्न बी माइनस ए एंड देट सेट इसको अगर हम अभी रन करेंगे तो ये हमारा असें ओरिजिनल आ रहा है और अब यह डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ रहा है राइट right? और सबसे छोटा सबसे लास्ट में आ रहा है सो so इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं ओके okay? अब आता है हमारा रिवर्स फंक्शन या रिवर्स मेथड रिवर्स फंक्शन क्या करता है जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ओरिजिनल अरे में उन सबको रिवर्स कर देता है तो क्योंकि एलिमेंट्स का वो एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता है ये फंक्शन तो ये हमारी मेथड जो है वो ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करती है और ये मेथड जो है वो रिवर्स अरे जो है उसको रिटर्न करती है सो लेट्स सी दिस अभी हम काम करेंगे नम डॉट रिवर्स कर देंगे तो हम रिवर्स करेंगे और अगर हम अभी कंसोल डॉट लॉग नाम करते हैं प्रिंट तो लेट्स सी क्या होता है तो ये था हमारा ओरिजिनल आ रहा है और ये हमारा रिवर्स है हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया है अब हम देखते हैं हमारी दो मेन मेथड्स स्प्लाइस मेथड एंड स्लाइस मेथड ओके अभी स्प्लाइस मेथड क्या होती है स्प्लाइस मेथड जो है वो ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करती है ओके ये मेथड कुछ वैल्यूज़ को डिलीट करती है अरे में से और ये फंक्शन जो है वो डिलीटेड वैल्यूज जो भी हमने डिलीट किए हैं उनको रिटर्न करता है ओके और जो भी वैल्यूज़ हम डिलीट करते हैं वो एक स्पेसिफाइड इंडेक्स से डिलीट करते हैं एंड सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वैल्यूज़ को ही हम डिलीट करते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स से और कुछ वैल्यूज़ को, को हम स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को हम ऐड भी करते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ओके तो मान लो हमारे पास ये एक अरे है ओके इस अरे में हम ये स्प्लाइस मेथड रन करते हैं और यहाँ हम पास पास करते हैं टू तो ये टू क्या है तो यहाँ पर हमने पास किया है टू तो इसका मतलब जो सेकेंड इंडेक्स है मतलब हमारी जो थर्ड वैल्यू है वहाँ से वैल्यूज़ को हम डिलीट करना शुरू करेंगे कितनी वैल्यूज़ डिलीट करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है थ्री तो हम तीन वैल्यूज़ को डिलीट करेंगे तो ये तीन वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम इस इंडेक्स से ऐड करना शुरू करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे जहाँ तक भी हम ऐड कर सकते हैं ओके सो लेट्स सी दिस तो अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर हम स्प्लाइस मेथड को रन करते हैं नम डॉट स्प्लाइस सबसे पहले हम पास करते हैं इंडेक्स नंबर टू यहाँ ऑलरेडी आ रहा है बिकॉज मैंने ये रन करके देखा है तो हम इसको रन कर देते हैं और यहाँ पर और भी वैल्यूज ऐड कर देते हैं वन ज़ीरो टू फोर वन ज़ीरो टू फाइव डन अब हम हाँ डन हो गया सब कुछ आराम से हो जाता है रेपलेट में इट्स एआई एआई एडिटर सारे काम खुद ही कर देता है ओके सो हाँ अभी हमारा स्प्लाइस मेथड कैसे काम करता है वो हम देखते हैं तो इसको रन करते हैं ये हमारा अरे था उसको हमने प्रिंट किया ये वैल्यूज़ हैं जो प्रिंट हुई फिर हमने स्प्लाइस मेथड रन की तो सेकेंड नंबर के इंडेक्स से मतलब थर्ड एलिमेंट से वैल्यूज़ डिलीट होंगी कहाँ तक तीन वैल्यूज डिलीट होंगे मतलब थ्री फोर्टीन और फाइव डिलीट होगा सो थ्री फोर्टीन फाइव डिलीट हो गए so और ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं उस इंडेक्स से सो so ये सारी की सारी वैल्यूज ऐड हो गई उस इंडेक्स से उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी नाइन वो प्रिंट होगा तो वो भी सब आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से जो स्प्लाइस मेथड है वो काम करती है अब हम देखेंगे स्लाइस मैथड हाँ और ये मेथड जो होती है स्प्लाइस मेथड ये क्या करती है ये हाँ ये डिलीटेड वैल्यूज को रिटर्न करती है तो इस मेथड ने जो भी वैल्यूज़ डिलीट की होगी वो हमको रिटर्न होंगी तो देखते हैं वो लेट इसको रन करता सो so, ये तीन वैल्यूज जो थी वो डिलीट हुई थी थ्री फोर्टीन फिफ्टीन वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है ओके okay? अब हम देखेंगे स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है कि अगर इस मेथड में हमने केवल एक ही पैरामीटर दिया है ओके okay? तो वो पैरामीटर जो भी है उसको हम उस पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स मानते हैं अरे का सो so, उस इंडेक्स से टिल द एंड ऑफ द अरे सारे के सारे एलिमेंट्स को ये मेथड लेता है और एक नई अरे में डाल देता है ओके सो सो हम यहाँ पर एक काम करेंगे लिखेंगे नम डॉट स्लाइस यहाँ पर आ गया स्लाइस और यहाँ पर हम डाल देते हैं इंडेक्स नंबर फोर तो इंडेक्स नंबर फोर मतलब फिफ्थ वैल्यू या फिर इंडेक्स नंबर डाल देते हैं थ्री इंडेक्स नंबर थ्री हुआ मतलब ये फोर्टीन यहाँ से वैल्यू शुरू होंगी फोर्थ एलिमेंट सो तो अभी क्या होगा यहाँ से हम एक न्यू अरे मिलता है और इसको हम कहते हैं न्यू अरे और इसको हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे सबसे पहले हमने हमारा ओरिजिनल अरे प्रिंट किया फिर तो उस औरिजिनल अरे में हमने ये मेथड चलाई फिर से ओरिजिनल अरे प्रिंट किया तो ओरिजिनल अरे वैसा का वैसा ही है और फिर न्यू अरे प्रिंट किया जो हमने यहाँ से देखा था तो न्यू अरे में ये वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं तो यहाँ फोर्टीन से लेकर वैल्यूज उठाई और इस न्यू अरे में डाल दी अब मान लो हम यहाँ पर लिख दें थ्री कॉमा सेवन तो थ्री कॉमा सेवन मतलब थर्ड इंडेक्स से लेकर सेवनथ इंडेक्स तक सो थर्ड इंडेक्स मतलब फोर्थ एलिमेंट और सेवनथ इंडेक्स मतलब एट्थ एलिमेंट सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यूज होंगी उनको ये एक बार लेगा देखते हैं सो so, यह क्या करेगा फोर्टीन फाइव सिक्स और सेवन को एक्सक्लूड कर देगा सेवन को ये नहीं लेगा बाकी सारी वैल्यूज सॉरी सेवन को ये लेगा ये एट्थ एट्थ इस वैल्यू को नहीं लेगा ओके okay? सो so, ये अभी हम देखते हैं यहाँ पर हाँ ठीक है सब कुछ सही है इसको हम ये हमारा ओरिजिनल है फिर ये मेथड चलाने के बाद ओरिजिनल है सेम ही रहा और न्यू आर में ये सारी वैल्यूज आई हैं फोर्टीन फाइव सिक्स सेवन तो ये फोर्टीन जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है ये हमारा फोर्थ इंडेक्स पे है ये हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे है ये हमारा सिक्स इंडेक्स पे है सेवेंथ तो इंडेक्स की वैल्यू को जो है एक्सक्लूड कर देता है ओके इस तरीके से स्प्लाइस का स्लाइस काम करता है जब हम उसको एक पैरामीटर देते हैं और जब उसको हम दो पैरामीटर्स देते हैं सो so, इस तरीके से हमारा सारी की सारी मेथड्स और ऑपरेटर्स काम करते हैं अरे में सो so, अब हम इस सेशन uh, की समरी देख लेते हैं तो आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है अरेज़ इन जावर स्क्रिप्ट अरे मैथड्स एंड ऑपरेटर्स लेंथ कैसे फाइंड करते हैं अरे की अरे में कोई वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं किसी एलिमेंट की वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं टाइप ऑफ अरे कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं जॉइन मेथड, पॉप मेथड, पुश मेथड, शिफ्ट मेथड, अनशिफ्ट मेथड, डिलीट ऑपरेटर कॉन्क्रीट मेथड, सॉर्ट मेथड, रिवर्स फंक्शन स्प्लाइस मेथड एंड स्लाइस मेथड, ओके सो आज के सेशन में इतना ही थैंक यू वेरी मच गायस